रामेश्वर तहसील कार्यालय महसूल सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारी प्रीतम शेंडे नामक कर्मचारी को प्रकाश निंबाड़कर और दीपक निंबाड़कर द्वारा गाली गलौज कर धमकाया गया। दीपक निंबाड़कर और प्रकाश निंबाड़कर ने पत्र व्यवहार का मुद्दा आगे कर तहसील कर्मचारी प्रशांत शेंडे के बीच में बहसबाजी हुई, जिसके चलते इस प्रकरण को लेकर दोनों में हाथापाई की नौबत तक आई थी। निंबाड़कर बंधुओं ने इस बीच कर्मचारी को भद्दी गालियां दी। वही कामकाज के बारे में अगर काम नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दो, हराम की तनख्वाह लेते हो, इस तरह की बातें बोलने की धमकी देना निंबाड़कर द्वारा कर्मचारी प्रीतम शेंडे ने कही, जिसके वीडियो क्लिप सभी और वायरल हुई है। इसके पहले भी प्रकाश निंबाड़कर, दीपक निंबाड़कर ने महसूल सहायक अव्वल कारकुन तलाठी मंडल अधिकारी कोतवाल सिपाही को भी निचली भाषा का उपयोग कर सरकारी कामकाज में बाधा निर्माण करने का काम किया है। इस तरह का आरोप इन निंबाड़कर बंधुओं पर कर्मचारियों ने लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ के कर्मचारी हमेशा दहशत में रहते हैं। मगर इस गुंडागर्दी डर की वजह से कभी भी पुलिस विभाग में कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज नहीं की है। लेकिन कर्मचारी को हमेशा धमकाना, गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देना अब कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं होने से आखिरकार कर्मेश्वर पुलिस थाने में इन निंबाड़कर बंधुओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई, जहां इन दोनों के खिलाफ 8 जनवरी 2024 को लिखित शिकायत के आधार पर 294, 353, 323, 506 तथा 35 की धारा लगाई गई है। लेकिन पुलिस विभाग ने इन बंधुओं पर उचित कार्रवाई नहीं करने से आखिरकार नागपुर जिला राजस्व विभाग तृतीय श्रेणी कर्मचारी संगठन की ओर से जिलाधिकारी स्थापना विभाग को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग करते हुए काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारी के समर्थन में पार्श्वनी तहसील के कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन कर जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक काम बंद आंदोलन जारी रहेगा। जल्द से जल्द आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से की गई है। आंदोलन में शामिल आर एस झोड़ानी, पी आर सुरलू में, वी ए राठौड़, मिथिलेश कुश्ते, जीवन पाटिल, दुर्गा मोहन कुड़ापे, सुनील जाधव, डी पी वाघमारी, राजेश बोबड़े, प्रशांत राउत, वी एम उग्रेबोत्री, इनके साथ ही अन्य कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तहसील कार्यालय कर्मेश्वर मंत्री प्रीतम शेंडे या महसूल सहायकाला वर काही कार्यकर्त्यांनी 3 जानेवारी 2024 रोजी शिवीगाळ करून हल्ला केलेला होता। त्याच्यामध्ये त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही कलेक्टर अन्य जिल्हाधिकारीकडे संघटनेच्या वतीने विनंती करण्यात आली होती, परंतु अद्याप त्या आरोपीला अटक न झाल्यामुळे आज दिनांक 15 जानेवारी 2024 रोजी लेखणी बंद कार्यक्रम हा पूर्ण जिल्ह्यात राबवला जात आहे। त्या अनुषंगाने प्रत्येक तहसील कार्यालयातली कामकाज बंद झाले असून सर्व कर्मचारी कार्यालयाच्या बाहेर बसून लेखणी बंद कार्यक्रम करत आहे। त्याबद्दल आमची अशी मागणी आहे की ज्यांनी हा शिवीगाळ केली किंवा मारलं त्यांना आम्ही अटक झाली पाहिजे आणि आमच्या संबंधित कर्मचाऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून आमची अशी मागणी आहे। आणि त्या अनुषंगाने वरिष्ठ कार्यालयाकडनं पण जिल्हा लेवलवरनं कारवाई सुरू आहे। यामध्ये आम्हाला नागपूर जिल्ह्यात तृतीय कर्मचारी महसूल संघटनेकडनं जे काही निर्देश येतील आम्ही त्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करू। एनबीसी न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।